नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। क्या ध्यान दें, अभी विगत दिनों मैंने आपके क्षितिज से पहला पाठ सूर के पद की व्याख्या मैंने व्यक्त किया था। हमरो हरी हारी की लकड़ी, यहां तक तो मैंने आपको बताया है। आगे अगली कड़ी में आप ध्यान दें, यह पद अति महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दें। गोपियां कह रही हैं, हरी है राजनीति पढ़ी आए, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुबर के समाचार सब पाए। क्या गोपियों के भाव हैं, उनके अंदर एक बियो की भावना है और अपने प्रीतम पर नाराजगी भी व्यक्त कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं कि हरी है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुबर के समाचार सब पाए। यहां पर उधो को गोपियां भ्रमर कर रही, भावरा समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ई कयति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि ज्ञान जो उनकी, योग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के मतलब पहले के, भले मन अच्छे लोग, पर ही तो डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहूते चुराए। ते क्यों अनित करें, आपुन जे और अनित छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजान जाहि सताए। क्या प्राय समझ गई हो, वो क्या कहना चाहते हैं? कर रही है एक अति चतुर हुए पहले ही, कह रहे कि हमारे प्रीतम, हमारे स्वामी श्री कृष्ण पहले से ही बड़े ही चतुर हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो राजनीति करने लगे, हम लोगों के साथ राजनीति करने लगे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठायो, वो पहले के ही बुद्धिमान है और अधिक ज्ञान की बात उधो के माध्यम से हम लोग क्या भेजवा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, हे सखी, पहले के लोग बड़े अच्छे थे, जो किसी के सुख दुख में अपना हाथ बटाते थे, दौड़ कर आते थे। देखिए पहले छप्पर वगैरह, पला पलानी वगैरह लगती थी तो उसको उठाने के लिए टोले मोहल्ले के लोग आते थे। आज किसको समय है? आज किसी को समय नहीं है। अब अपने उधो भले लोग आगे मैंने पहले के लोग भले थे, पर ही तो डोलत था और वो दौड़ने लगते थे। डोलना का मतलब यहां पर दौड़ने से मतलब है किसी के कार्य में हाथ बटाने के लिए दौड़ पड़ते थे और आज किसी के पास वक्त नहीं है। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुए चुराए। गोपियां कह रही हैं कि हम गोपियां अपने मन को मसोक कर दबाकर चल रही हैं। प्रभु श्री कृष्ण लग रहा है कि अपना मन हम लोग से फेर लिए हैं, चलत जो हुए चुराए। लेकिन जाते वक्त उन्होंने हम लोग का जो दिल चुरा लिया, हम लोग का जो प्रेम उनके प्रति था, हम प्रस्तुत पद
महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के अंतर्गत भ्रमर गीत में उद्धव प्रसंग से लिया गया है। इसमें उद्धव जी गोपियों को निर्गुण उपासना का ज्ञान देने आए हैं, योग का संदेश देने आए हैं और गोपियों को यह अन्याय लग रहा है। गोपियों के मन में ऐसी भावना है कि श्री कृष्ण हमारे प्रीतम हमारे स्वामी अब हम लोगों से राजनीति कर रहे हैं। गोपियां यहां तक कह रही हैं कि यह नीति की बात नहीं है, यह अनीति की बात है और प्रीतम को हम लोगों के साथ इस तरह का अनीति शोभा नहीं देता। आइए मुख्य व्याख्या पर। एक गोपी दूसरी गोपी अर्थात अपने सखी से कह रही है, क्या कह रही है, हरि है राजित पढ़ी आयो समूझी बात खत मधुवर के समाचार सब पाए। हे सखी, अब श्री कृष्ण भगवान हमारे प्रीतम राजनीति पढ़कर आ गए हैं, अर्थात राजनीति शास्त्र में पूर्णतया दक्ष बन गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं, अर्थात वे पूर्ण राजनीतिक बन गए, पूर्ण राजनीतिज्ञ बन गए, अब उनके अंदर कमी नहीं है। इसलिए हे सखी, प्रेम संबंधी बातों के कपट जाल में हम लोग को फंसा रहे हैं। समूची बात कहत मधुवर के समाचार सब पायो। यहां भ्रमर रूपी उद्धव, भ्रमर माने भंवरा, गोपियां उद्धव को भ्रमर कर रही हैं। समूची बात कहत मधुवर के समाचार सब पायो, भ्रमर रूपी उद्धव जो योग ज्ञान की बातें हम लोग को बता रहे हैं, उनका समाचार बता रहे हैं। क्या हे सखी, उनकी सारी बातें अच्छी तरह से तुम लोग समझ गई हो, उनका अभिप्राय समझ गई हो, वो क्या कहना चाहते हैं। ते दिल को चुरा कर चले गए हैं, ते क्यों अनीति करे आप उनके और अनीति छुड़ाए, ते क्यों अनीति करे, भगवान श्री कृष्ण अनीति क्यों कर रहे हैं। जो लोगों को नीति की शिक्षा देते हैं वो खुद अनीति कर रहे हैं। राजधर्म को यही सूरदास जी कह रहे हैं कि यह राजधर्म नहीं है जो अपनी प्रजा को सताए, जो अपनी प्रजा को तकलीफ दे। धन्यवाद।